आज हम लोग बात करेंगे कुछ पेड कोर्सेज के बारे में जो कि फ्री हो गए हैं इस अप्रैल के महीने में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और मैंने काफ़ी वीडियोस अभी पहले भी बनाए थे पेड कोर्सेज को लेकर के जो कि फ्री हो गए हैं ड्यू टू रिसेंट वायरस कंडीशंस। काफ़ी सारी जगह पे लॉकडाउन हो गया है तो काफ़ी सारे क्रिएटर्स ने अपने कोर्सेज फ्री में कर दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन पर मिल जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्सेज हैं। काफ़ी सारे लोगों को एथिकल हैकिंग के ऊपर कोर्सेज चाहिए थे, एडोब फोटोशॉप आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर कोर्सेज चाहिए थे और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कोर्सेज चाहिए थे, AWS के ऊपर भी कोर्सेज चाहिए थे। तो ये सारे जो कोर्सेज है वो ये वाली वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट गेम डेवलपमेंट के ऊपर भी मिल जाएगा। तो मैं इस वेबसाइट का आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा आज, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे कोर्सेज में एनरोल करना है, कैसे अच्छे कोर्सेज को ढूंढना है। क्या इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी मिली है मुझे और वो जो एक चीज़ है वो इस वेबसाइट को सारी चीज़ों से अलग बना देती है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये जो वेबसाइट का नाम है, इस वेबसाइट का नाम है Pluralsight। तो यहाँ पे यूजुअली आप लोगों को प्रीमियम पे करना पड़ता है, एक सब्सक्रिप्शन फ़ी पे करनी पड़ती है। तो अभी अप्रैल के महीने में इन्होंने अपना पूरा डेटाबेस फ्री कर दिया है, आप लोग जितने भी कोर्सेज है वो सब यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा लेकिन फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, एक ई सर्टिफिकेट मिलेगा आप लोगों को जो कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हो कोर्स कंप्लीट करने के बाद। ये कोर्स सिर्फ एक महीने के लिए रहेगा, एक महीने बाद आपके पास से एक्सेस चला जाएगा। तो इसको आप लोग जितनी जल्दी जो आपकी चीज़ काम की हो उसमें ही सिर्फ एनरोल करें, सारी चीज़ों में एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन। ये रही वेबसाइट Pluralsight.com, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे लिखा है फ्री अप्रैल, तो मतलब जितने भी इनके कोर्सेज हैं इन्होंने यहाँ पे फ्री कर दिए हैं। सो यहाँ पे जल्दी से मैं आप लोगों को साइन अप करके बताता हूँ। यहाँ पे मैं ईमेल का यूज़ कर लेता हूँ, फर्स्ट नेम के पी टेक कंपनी इंडिया, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्री में इंडिया। फिर बाय एक्टिवेटिंग आई एग्री एक्टिवेट बेनिफिट, सिर्फ मुझे यही करना है अभी फिलहाल। पासवर्ड आपके ईमेल पे आ जाएगा, पासवर्ड के लिए लिंक आप लोग अपने ईमेल पे जाएंगे और वहाँ से इसको पासवर्ड डाल के एक्टिवेट कर देंगे। अटेम्प्टिंग टू एक्टिवेट योर बेनिफिट्स, दिस में टेक अ फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं यहाँ पे आई विल डू दिस लेटर कर देता हूँ और यहाँ पर मुझे सारी लाइब्रेरी होपफुली मिल जाएगी। अब ये पाथ्स है, पाथ्स के बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा आप लोगों को। सो ये रहा मेरा पूरा यूज़र इंटरफेस, मेरा पूरा पोर्टल यहाँ पे इस टाइप से दिखेगा आप लोगों को। अब ये यूजुअली आप लोग ब्राउज पे जाएंगे एंड आपको सारे कोर्सेज यहाँ पे दिखाई दे देंगे कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, मोबाइल डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, C#। लेकिन जो इस वेबसाइट को जो अलग बनाता है वो है इसके पाथ्स। पाथ्स क्या हैं? पाथ्स में इन्होंने काफ़ी सारे कोर्सेज की सीरीज़ बना दी है कि अगर आप लोगों को एथिकल हैकिंग सीखनी है तो ये सारे कोर्सेज हैं। एडवांस लेवल के लिए ये है, इंटरमीडिएटरी लेवल के लिए ये है, बिगनर के लिए ये है। तो फॉर एग्जांपल मैं भी आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। अभी मैं यहाँ पे सिक्योरिटी पे गया, अब यहाँ पे मुझे एथिकल हैकिंग फंडामेंटल सीखने हैं तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर आप लोग जब नीचे आओगे तो अब आप लोगों को यहाँ पे कोर्सेज दिखेंगे, क्या बिगनर लेवल के लिए ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, अंडरस्टैंडिंग एथिकल हैकिंग, फिर फुटप्रिंटिंग क्या होती है, फिर धीरे धीरे हम लोग स्कैनिंग नेटवर्क्स पे बढ़ेंगे, फिर एन्यूमरेशन पे बढ़ेंगे, फिर नीचे और आ जाएंगे, ये सारे बिगनर में आ गए। फिर इंटरमीडिएटरी लेवल के लिए ये सारे कोर्सेज है, फिर एडवांस लेवल के लिए ये सारे कोर्सेज है, SQL इंजेक्शन क्या होता है, मोबाइल प्लेटफॉर्म पे कैसे वर्क करना है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे कैसे वर्क करना है, तो ये सारे एडवांस सेक्शन में आ गए। इसकी खास बात यह है कि ये सारे कोर्सेज को एक आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बना के देता है। यूजुअली Udemy जैसी वेबसाइट पे अगर आप लोग जाओगे तो आप लोग खुद कोर्सेज सर्च करने पड़ेंगे, खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, यार मुझे एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीखना है, पहले मैं जावा सीखूं कि एंड्रॉइड सीखूं, ये सीखूं इंटरमीडिएट लेवल पे, ये सीखूं पहले मैं फायरबेस डेटाबेस सीखूं, MySQL सीखूं, PHP सीखूं, क्या क्या सीखूंगा भाई। तो इस यहाँ पर ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है कि इन्होंने यहाँ पे स्ट्रक्चर दे दिया है। अब इसमें एनरोल करने के लिए कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस यहाँ पे जाओ प्ले बटन पे क्लिक कर दो एंड आपके कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे प्ले करना। सो ये मेरा पहला वाला कोर्स है, तो आप लोग देख सकते हैं अलग अलग ऑथर के थ्रू है पहला वाले। पॉज कर देता हूँ मैं, तो ये रहा, अब मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँगा, देन ये वाले कोर्स के बाद ये वाले कोर्स पे जंप करूँगा। तो सिर्फ एक कोर्स नहीं है, कोर्सेज का कॉम्बिनेशन है कि फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं तो ये सब करो, बिगनर के लिए, इंटरमीडिएट के लिए और एडवांस के लिए। नाउ ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ऐसा शुरू करो, आप लोगों को डायरेक्ट SQL इंजेक्शन सीखना है तो ये वाला खोल लो एंड आपके SQL इंजेक्शन हो जाएंगे। और इसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट भी देंगे, मैंने इनके कॉन्टैक्ट किया इनके सपोर्ट से
और आपको ये लोग ई सर्टिफिकेट भी बोल सकते हो, या फिर एक पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर लोगे जब ये सारे कोर्सेज को आप कंप्लीट कर लोगे। तो इससे सर्टिफिकेट के लिए मत करो यार, इसे सीखने के लिए करो, मेरी तो यही रिकमेंडेशन रहेगी। तो इस टाइप के यहाँ पे पाथ्स हैं, पाथ्स का डेफिनेटली यूज़ करें तो किस किस फील्ड में आप लोगों को मिलेगा, सिक्योरिटी में मिलेगा। डेवलपमेंट की बात करूँ तो एंड्रॉयड में मुझे इतने कुछ खास नहीं लगे, लेकिन बाकी चीज़ों में अच्छा है। अब यहाँ पर आप लोगों को पाइथन भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं पाइथन, तो ये पाइथन के मिल गए। अब मुझे यहाँ से मशीन लर्निंग करनी है तो मशीन लर्निंग भी मिल जाएगा। तो ये रहे मशीन लर्निंग के कोर्सेज, एंड जो मुझे यहाँ पर अच्छे लगे वो तो पहली बात, यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। तो अगर आपका सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है, एथिकल हैकिंग में इंटरेस्टेड है, या किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी के आपको काफ़ी सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। फिर यहीं पर ही अगर मैं क्रिएटिव फील्ड में आऊँ तो यूनिटी के जो गेम्स हैं उसके ऊपर भी इनके कोर्सेज काफ़ी हैं, काफ़ी इन्होंने अच्छे अच्छे स्टेप्स देखे रखे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ, यूनिटी यूनिटी ये रहे यूनिटी के मेरे कोर्सेज, यूनिटी यूनिटी गेम डेवलपमेंट, यूनिटी डिज़ाइन। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे यूनिटी फंडामेंटल्स पे जाता हूँ, तो ये यहाँ पर यूनिटी गेम आ गया है। अभी मैं यहाँ पर यूनिटी गेम में आप लोग देख सकते हैं इसके फंडामेंटल्स, सी शार्प, फिर एनिमेशन फंडामेंटल्स, फिर फिजिक्स के फंडामेंटल्स, फिर इंटरमीडिएटरी लेवल पे लाइटिंग कैसे करनी है, कैसे करना है, ऑडियो वर्क कैसे करना है। तो यहाँ पे सारे कोर्सेज आप लोगों को दिख जाएंगे, तो एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है पाथ्स के थ्रू। यूडेमी के बाद जो मुझे यहाँ पे लगे वो लगे एडोबी के कोर्सेज, जो कि फोटोशॉप है, आफ्टर इफेक्ट्स है, आफ्टर इफेक्ट्स में भी आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आ जाता हूँ माया, अगर आपका एनिमेशन वगैरह में इंटरेस्टेड है तो माया वगैरह है यहाँ पर। क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए भी अच्छा है जिनको फोटोशॉप वगैरह यूज़ करना है, प्रीमियर प्रो के भी कोर्सेज हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज मतलब यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार किया जाएगा। जैसे एक होता है AWS सर्टिफाइड डेवलपर, तो अगर आप लोगों को AWS का डेवलपर बनना है तो Amazon के जो एग्ज़ाम्स होते हैं AWS वाले, वो आपको क्लियर करने पड़ते हैं। वो एग्ज़ाम्स कौन कंडक्ट करता है, वो लोग खुद ही कंडक्ट करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को ये वाला जो कोर्स है वो हेल्प करेगा प्रिपेयर करने के लिए कि Amazon डेवलपर कैसे बनना है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, डिज़ाइनिंग डेवलपिंग के पूरे जितने भी सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करने में हेल्प करेगा। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इस महीने कोई एक सर्टिफिकेशन ले लें, अगर आप लोग IT फील्ड में हो, किसी कंपनी में जाना चाहते हो, तो इन सर्टिफिकेशन की वैल्यू होती है। इसके लिए आप लोगों को अलग से पे करना पड़ता है Amazon को, माइक्रोसॉफ्ट को, सिस्को को। तो यहाँ पे सिस्को वाले भी होंगे, जैसे सिस्को CCNA वाले हैं। तो अगर आपको नेटवर्किंग में इंटरेस्टेड है तो नेटवर्क एसोसिएट के यहाँ पे कोर्स कर लो, और सीखना पड़ेगा पहले आप लोगों को, फिर आप लोग इसके ऑफिशियल एग्ज़ाम्स दोगे जो सिस्को कंडक्ट कराता है, एंड देन आप लोगों को उनके थ्रू सर्टिफिकेशन मिलेगा, जो कि काफ़ी वैल्यूएबल रहता है कंपनीज़ में। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे प्रोग्रामर हो तो मैं आप लोगों को तीन कोर्सेज रिकमेंड करूँगा। एक हो गया पाइथन फंडामेंटल्स का कोर्स, ये वाला, और एक हो गया यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग मशीन लर्निंग, ये वाला कोर्स, और एक यहाँ पे गेट फंडामेंटल्स। ये तीनों कोर्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। सो इस तरह से आप लोग पाथ का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को पाथ में नहीं जाना है तो आप यहाँ पे ब्राउज करके जो भी आप लोगों को अपनी मर्जी से जिस भी फील्ड में कोर्स सीखना है, Node.js सीखना है, Node.js पे चले आओ, और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे। सो ये थे कुछ कोर्सेज जो कि फ्री है, मैंने आपको रजिस्टर करके लेके बता दिया। इसमें एनरोल करने का कोई फंडा नहीं है, सीधे जाओ रजिस्टर करो और वीडियोज़ देखना शुरू कर दो। कोई क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों को नहीं देनी पड़ेगी। सो दैट विल ऑल फॉर दिस वन। इसे डेफिनेटली शेयर करें अपने कोलीग्स के साथ में, अपने ऑफिस वाले पार्टनर्स के साथ में, उन लोगों की भी काफी हेल्प होगी। सो दैट विल बी ऑल, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।